दतिया के किला चौक पर आयोजित समारोह में कलेक्टर संदीप माकिन, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित रहे। वहीं अंबेडकर स्टेडियम इंद्रगढ़ में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश को 17,539 करोड़ की परियोजनाओं का एवं दतिया जिले को 125 करोड़ के विकास लोकार्पण एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्रसारण के माध्यम से प्रदेश एवं जिले की जनता को समर्पित किया। आज आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया जिले को 125 करोड़ की विकास कार्यों को नगर परिषद इंदरगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में लाइव प्रसारण के द्वारा उपस्थित जन समुदाय को टीवी पर दिखाने का कार्यक्रम किया गया। आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार वीर सिंह आवासिया, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग हरनोद शर्मा, थाना प्रभारी उपेंद्र दुबे तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी। इस अवसर पर नगर सहित ग्रामीण अंचल में आए महिला पुरुषों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन तथा सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों सहित जनहित में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को लाइव प्रसारण वर्चुअल देखा तथा सुना। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र विधोलिया, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती गौरी रामस्वरूप मंडेलिया सहित समस्त पार्षद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है, बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है, ये उस काल चक्र भी की भी साक्षी बनने वाली है।